के मार की थी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अल्लाह की बेशुमार रहमत है, दुनिया उन्होंने दोबारा उमरे सानी किया। यार कुछ दौर आ गया बच्चे ऐसा जरा हो रही खराब थी, ये फिर ऐसा जमया मरवान का पोता बुरिया चो नेक भी नहीं, हजरत उमर का जमाना याद करा, उमरे सानी होया है आदिल मुत्तकी खलीफा है राशिद। भाई मावा का भी बड़ा असर है, हुण तुसी की करदे जिवें रसूला फरमाया ना अबू हुरैरा ने कि औरतां लभदे आ ते खानदान होवे कोई उहदे भरा भरू अफसर होण बाहरले मुल्कां चों कमाउंदे होण सोहणी होवे ऐं होवे यूं होवे, फरमाया ओ कोई दीनदार भी कदी ना मुरादा लभी भी होर कुछ भी ना होवे कोई ऐसी लियावां जिहड़ी दीन ते गां मेरी औलाद नूं सिखावे। हां फसर बेजात दीन तारे बजियदा का और तेरे हाथ टुट जाण कोई दीनदारी च लभ ला। ये उमर दे बाप ने अब्दुल अजीज ने दीनदार जिहड़ी जो किस तरह आई ते हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नो वड्डे हजरत उमर फिरदे आ, उन्होंने घर वेख्या दिन चढ़न वाला फजर दी अज़ान आने वाली, एक माँ अपनी बच्ची नूं कह रही है पुत दुध जिहड़ा ना दुध लैण वाले ने आ जाणा, मुल विकदा सी विच पाणी थोड़ा जिहा पा दे कोई चार पैसे वध वड्डांगे। उन्हें आख्या माँ तू सुनिया नहीं अमीरुल मोमिनीन ने ऐलान कराया कि खालस दुध वेचा कर पानी ना मिलाओ। कहिंदी इत्थे अमीरुल मोमिनीन तुरिया फिरदा गाह मिला, उन्हें आख्या अमीरुल मोमिनीन नहीं तुरिया फिरदा, अमीरुल मोमिनीन दा खुदा नाल आ रब नाल आ। हज़रत उमर रज़ी नूं बड़ी गल चंगी लगी, आख्या ये बच्ची लैनी है पुत अपने निशान कर लिया। सवेरे ही बंदा भेज के पुछया भी मंगनी मुंगनी नहीं हुई पता लगा नहीं, अपने बेटे आसम ली लै ली, उस आसम दे घर जिहड़ी जमी धी ओ उमर बिन अब्दुल अजीज की माँ बनी, फिर गां पोती इत्थे गई उस च उमर बिन अब्दुल अजीज जमया, जदों कम नेक कीते खानदान सी सारा डाकू जागीर बना लिया मुल्क लुट रहा सी, उन्होंने आख्या है उमर बिन अब्दुल अजीज यार कितों जम पिया साढ़े चो, इन्हें सारा जरा सा लुटा खाधा जरा सी जस्टिस इफ्तिखार की तरह साडा दिता कढ़ा, ये की होया फुफी नूं कर दिता फातिमा ने जाके कह भाई जो मर्जी इंसाफ करता फिर जड़े वड्डे सानू दे गए ना लखा मुरब्बा ये ना खोका। आख्या फुफी कम कर तू इस गल ही आ गई मैंने दो चल ली, उन्होंने जाके कह दे कि उमर ने कम कोई नहीं करना जो इंसाफ है करना। जदों गई तो उन्हें पूछया फातिमा सुना फुफी की बनया, उन्हें आख्या फुफी हुण की करे तुसी उमर की पोती ज लै आए थे उच्चे हो जा जमना से। उन्हें आख्या उमर की पोती ज लै आए थी उच्चो इदा का नेक ही जमना तो जमया फिर है। सुन लो हुकूमत की थी अज भी बेशुमार रहमत अल्लाह दियाँ उत्ते तो कबर से भी अल्लाह अनवार की बारिश करे। बे औरत कूफियों चली खामद फौत हो चुका सी, सत्तां बच्चियां की माँ लभदी दमिश्क गई, उन्हें आख्या मुसलमानों का बादशाह जरा वह घर दसो, मकान से गई बीवी बैठी थी अंदर बीबी फातिमा उन्होंने बीवी का नाम फातिमा थी, तो हम फातिमा कोई मेरे तुहाडे घर की थोड़ा सी गरीबनी से चलो उत्थे गरीबी जूंगा वो किडे दी अब्दुल मलिक की पोती है मरवान की पोती अब्दुल मलिक की बेटी दो खलीफे पहला रह चुके वलीद अर सुलेमान हूँ अपना खान जी खलीफा, तो जिस दिन उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा बने उन्होंने सद के कह दिता तो मेरे नाल तां बांका कोई नहीं सी सवेरे जोड़ा और शाम और साल चवारी नहीं सी आउंदी, मगर उम्मत ने मेरे गल पाती है हुकूमत मेरे मंगिया बगैर मैनू खबर भी नहीं, तो हुण मैं भाई अल्लाह रसूल के सामने हो गया जवाब दे मेरा साथ देना ही तो छड़ दे सारा ऐश इशरत नहीं तो लैला जो सूट तिहार लैना तो तलाक। उन्हें आख्या नहीं तेरा साथ, गरीबनी बन गई मस्कीन हो गई उस फातिमा के कोल बह गई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अंदर आए पहला तो उन्हें मकान वाले वेख्या उस औरत ने तो कंधा टह गईं मिट्टी तो परेशान भी हुई, उन्हें आख्या मेरा इन्हें की बनाना जो अपने घर की कंधा टेंदियां फिर दी, तो हजरत फातिमा ने पहचान लिया तो कह लगी मेरी भैन तू फिक्र ना कर यदियाँ कंधा तदे टठियाँ भी तुहाडे घर सवार लग पिया तू ये घर छड टेंदियां तुहाडा इनू फिक्र आप ही आ सलाम किया लंघ जाके घर की खूह सी पानी कट के गारा बना लग पा तो नाल उधर भी वेंदे वो आँधी आ बीबी फातिमा भी आ नौकर जरा बड़ा बेहया बीबी घड़ी मुड़ी साढ़े आल ने उन्हें आख्या नौकर है ये खलीफा है मेरा खामद है। आपने पूछा है कि कह रहा फातिमा कौन है, क्या कूफे आई है सत्तां बच्चियां की माँ है बाप नहीं रहा शादी के काबिल हो गई इमदाद ली आई उमर बिन अब्दुल अजीज कोई दफ्तर च नहीं आया कचहरी जाऊँगा तो वेख उसे वे कागज मंगवाया तो लिख के गवर्नर नूं भेज दिता क्या बच्ची औरत आ रही है मैं हुक्म देना कि उन्होंने सत्तां बच्चों की शादी का इंतजाम कर और बैतुल माल से सारा बंदोबस्त कर। वह लैके बेचारी खुशी खुशी चली गई मगर रब का करना आया भी उत्थे पहुँचने तक उमर बिन अब्दुल अजीज बहुत हो गए ना उन्होंने खबर ना किसी होर इतला जाके उन्हें गवर्नर के अगे परचा रखा तो रो पिया।
ਡਾਕਟਰ ਪਾਂਸੂ ਗਿਰੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਡਰ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਭੈਣ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਤੂੰ ਖਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ, ਬਖਾਨੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਵੀ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਖਤ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਲੀ ਸੀ, ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਗਏ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲਾਹਨਤ ਬਰਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰੇ ਆ ਅਤੇ ਮਰਨਗੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਲਾਹ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਰਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮੈਂ ਗਾਫਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ